डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीएमकेवीवाई द्वारा संचालित कोर्स एफटीसीपी फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल के क्वालिफिकेशन पैक क्यूपी 4601 के नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड नोज़1 एंगेज विद कस्टमर फॉर आईटी हार्डवेयर सर्विसेज के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के बारे में। कस्टमर को सल्यूशन देते हुए ये मानकर चलिए कि कस्टमर को कंप्यूटर की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब अगर कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है तो एफटीसीपी को ये देखना होगा कि वो कस्टमर को क्या सजेस्ट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ना तो उसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना पड़े और ना ही उसे कैबिनेट के पेंच खोलकर कुछ काम करना पड़े। तो पहले वो कहता है कि पहली ऑप्शन के अकॉर्डिंग एफटीसीपी कस्टमर से कह रहा है कि चेक द स्पेस रिमेनिंग इन सी ड्राइव, कि माई कंप्यूटर में जाइए और जो हार्ड डिस्क का सी ड्राइव है, मतलब कि जो प्राइमरी पार्टीशन है जहाँ पर विंडो इंस्टॉल होती है, उस पार्टीशन के अंदर जाकर चेक कीजिए कि हार्ड डिस्क में स्पेस कितना बाकी रह गया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसका जो फोल्डर है, उस प्रोग्राम का जो फोल्डर है, उस सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर है, वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर बन जाता है। और नॉर्मली अब कुछ डाउनलोड वगैरह करते हैं तो वही डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड्स में चला जाता है, कोई फाइल्स वगैरह बनाते हैं डॉक्यूमेंट में चली जाती हैं, तो जो भी हम काम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव में ही जाता रहता है जब तक कि उसका पाथ चेंज ना किया जाए। विंडोज़ भी जब रन होती है तो कई तरह की टेम्परेरी फाइल्स बनाती है, वो टेम्परेरी फाइल्स भी सी ड्राइव प्राइमरी पार्टीशन के अंदर ही सेव होती हैं। तो इन सब कामों की वजह से हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, सी ड्राइव जो है, जो प्राइमरी पार्टीशन है, वो फुल हो जाता है और अब कस्टमर को पता ही नहीं चल पाता है। तो जितना ज़्यादा लोडेड सी ड्राइव प्राइमरी पार्टीशन होता चला जाएगा, अगर उसमें स्पेस काफ़ी कम रह जाएगा तो उस केस में हार्ड डिस्क, उस केस में कंप्यूटर स्लो वर्किंग शुरू कर देता है। इसलिए कस्टमर से ये कहा जा सकता है कि सी ड्राइव जो प्राइमरी पार्टीशन है उसका स्पेस चेक कर लीजिए। तो इजी है, कस्टमर कर सकता है माई कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके और वो रिमेनिंग स्पेस चेक कर सकता है। दूसरा कस्टमर को कहा जा रहा है सेकंड ऑप्शन में कि रन डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी एंड डिलीट टेम्परेरी फाइल्स। जब विंडोज़ रन करती है तो जो टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं वो टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर बनती हैं, और जब इंटरनेट चलाया जाता है तो इंटरनेट डाउनलोड करते भी कई तरह की टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं। रिसाइकल बिन के अंदर भी जो फाइल्स होती है वो फाइल्स भी सी ड्राइव के अंदर ही होती हैं। तो इन सब फाइल्स को डिलीट करने के लिए और हार्ड डिस्क को क्लीन करने के लिए, एक्चुअली इन फाइलों को डिलीट करने से हमारे ना तो विंडोज़ के ऊपर किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही हमारी डाटा फाइल्स के ऊपर, लेकिन हार्ड डिस्क के ऊपर से थोड़ा सा बर्डन फाइल्स का लोड कम हो जाता है। तो रन डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी एंड डिलीट टेम्परेरी फाइल्स, इसके लिए भी हम कस्टमर को कह सकते हैं करने के लिए। थर्ड, अपडेट द एंटी, अगर कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो इसका एक कारण वायरस भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो वायरस को क्लीन करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए कहा जा सकता है। अगर एंटीवायरस प्रोग्राम पहले से डला हुआ है और एक्सपायर हो गया है तो उसे अपडेट करने के लिए भी कस्टमर को कहा जा सकता है। फोर्थ, चेक द रैम ऑफ योर कंप्यूटर एंड अपग्रेड इफ नेसेसरी, अगर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर जो रैम है वो इनसफिशियंट है। अभी तक कंप्यूटर ठीक चल रहा था क्योंकि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स कम थे, लेकिन अब कस्टमर ने प्रोग्राम्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा लिए हैं, लेकिन उस हिसाब से रैम को बढ़ाया नहीं गया है, हार्डवेयर को अपग्रेड नहीं किया गया है, तो इस कारण से भी कंप्यूटर स्लो हो सकता है। तो कंप्यूटर में रैम को चेक करने के लिए कहा जा सकता है। अगर रैम कम है और ज़रूरी है रैम बढ़ाना, तो रैम बढ़ाने के लिए भी कस्टमर को सजेस्ट किया जा सकता है। हाँ, रैम बढ़ाने का काम तो जाके एफटीसीपी को ही करना पड़ेगा, लेकिन रैम है कितनी ये चेक कस्टमर से करवाया जा सकता है। तो इस केस में सारी ऑप्शंस के लिए ही कस्टमर को कहा जा सकता है। तो आंसर ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम थी कि कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो एफटीसीपी ने उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सुना है, समराइज किया है और उसे हर तरह से बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्ट करने का भी कोशिश किया गया है। एलिमेंट इज सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, एफटीसीपी द्वारा सोल्यूशन सजेस्ट करना कस्टमर को, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 13, इन्फॉर्म कस्टमर ऑन वेदर द मॉड्यूल हैज़ टू बी रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड विद रीज़न।
कस्टमर को एफटीसीपी द्वारा हमेशा इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि जो उनका पार्ट कंप्यूटर का खराब है उसे रिप्लेस किया जा रहा है या रिपेयर किया जा रहा है, और वो भी कारण बताकर। क्वेश्चन है पावर सप्लाई एसएमपी है, स्विच मोड पावर सप्लाई ऑफ ए कंप्यूटर इज फॉल्टी, इन व्हाट कंडीशन इट विल बी रिप्लेस्ड विद रीजन। कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है वो खराब है, और किस कंडीशन में इसको रिप्लेस किया जाएगा, किस और इसका क्या कारण होगा। नंबर एक, ऑप्शन वन, वेरीफाई द वारंटी एंड रिप्लेस द एसएमपीएस। ऑप्शन वन है कि वारंटी को वेरीफाई कीजिए, अगर वारंटी में है एसएमपीएस तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। ऑप्शन टू, वेरीफाई द वारंटी, वेरीफाई कीजिए वारंटी के लिए, अगर वारंटी में है तो अरेंज द एसएमपीएस गोइंग बैक टू ऑफिस, ऑफिस में जाइए और वापस जाकर एसएमपीएस नई लेके आइए। इन्फॉर्म अबाउट इट टू कस्टमर एंड रिप्लेस द एसएमपीएस, इसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए और रिप्लेस कर दीजिए। ये तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे पहले बताया जा चुका है कि जैसे ही आप एफटीसीपी को कॉल कंप्लेंट मिलती है हेल्पडेस्क से करने के लिए, तो उसे पहले कस्टमर को कॉल करके जानकारी ले लेनी चाहिए कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। अगर पहले एफटीसीपी ने कॉल की होगी तो उसे पता होगा कि एसएमपीएस में प्रॉब्लम है, तो वो एसएमपीएस अपने साथ फ्रेश नई लेके ही जाएगा। अगर ऑप्शन थ्रू सेकंड के अगेंस्ट ये कहा जा रहा है कि वहाँ जाके उसने चेक किया है कि एसएमपीएस खराब है और फिर वो अपने ऑफिस में जाकर एसएमपीएस लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब कि पहले कस्टमर को फ़ोन करके प्रॉब्लम के बारे में जानकारी नहीं ली गई है, तो सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक नहीं कहा जा सकती, क्योंकि वेरीफाई द वारंटी एंड रिप्लेस द एसएमपीएस के अपने लेवल के ऊपर एफटीसीपी वेरीफाई कर रहा है वारंटी को और एसएमपीएस रिप्लेस कर रहा है, जबकि कस्टमर को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया है। इसलिए पहले दोनों ऑप्शंस ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वेरीफाई वारंटी, रिप्लेस फॉल्टी एसएमपीएस, इन्फॉर्म अबाउट रिप्लेसमेंट टू कस्टमर, कि पहले वारंटी को वेरीफाई किया गया है, फिर रिप्लेस किया गया है फॉल्टी एसएमपीएस को, और फिर इन्फॉर्म किया गया है रिप्लेसमेंट के बारे में, तो यह भी ठीक नहीं है। अगर वारंटी को वेरीफाई कर लिया गया है तो वेरीफाई करने के बाद पहले इन्फॉर्म करना जरूरी था कस्टमर को कि आपकी एसएमपीएस फॉल्टी है, और फिर उसे रिप्लेस करना चाहिए था यह बता करके हाँ हम उसे रिप्लेस करके नई एसएमपीएस लगा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वेरीफाई वारंटी, वेरीफाई कीजिए वारंटी को, अगर वारंटी में है तो इन्फॉर्म अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ एसएमपीएस टू कंप्यूटर, के कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी एसएमपीएस खराब है, इसे रिप्लेस किए जाने की ज़रूरत है और हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं, और इसे रिप्लेस। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, कि वेरीफाई किया जा रहा है, इन्फॉर्म भी किया जा रहा है एसएमपीएस को, अब एसएमपीएस लेने के लिए एफटीसीपी वापस भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि वो उसने पहले कॉल करके पूछ लिया है कि कस्टमर के, इसका मतलब ये है कि कस्टमर के यहाँ पहले फ़ोन करके एफटीसीपी ने जानकारी ले ली है कि एसएमपीएस में प्रॉब्लम है, एसएमपीएस को साथ लेके आया है और कस्टमर को इन्फॉर्म करने के बाद एसएमपीएस को रिप्लेस किया जा रहा है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर इज राइट। इन्फॉर्म कस्टमर, एलिमेंट इज सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 13, इन्फॉर्म कस्टमर ऑन वेदर द मॉड्यूल हैज़ टू बी रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड विद रीजन। कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि जो भी मॉड्यूल उसका बदला जा रहा है उसे वारंटी में बदला जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, और या फिर रिपेयर किया जा रहा है विद रीजन। क्वेश्चन क्वेश्चन, पावर सप्लाई एसएमपीएस ऑफ ए कंप्यूटर इज फॉल्टी, इन व्हाट कंडीशन इट विल बी रिपेयर्ड विद रीजन। किन कंडीशंस में इसमें इसे रिपेयर किया जाएगा, कारण भी बताना है। ऑप्शन वन, वेरीफाई द वारंटी एंड इन्फॉर्म अबाउट रिपेयर एज इट इज आउट ऑफ वारंटी। वेरीफाई कीजिए वारंटी को और कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए कि एसएमपीएस आउट ऑफ वारंटी है और इसे रिपेयर करवाना होगा। सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ द एसएमपीएस टेक्स 4 to 5 days, सो वी नीड टू रिपेयर इट। सेकेंड ऑप्शन के अगेंस्ट कहा जा रहा है कि जो रिप्लेसमेंट है वो एसएमपीएस की वो 4 से 5 दिन ले लेती है, इसलिए हमें इसको रिपेयर करवाना होगा। थर्ड ऑप्शन, वेरीफाई द वारंटी, इन्फॉर्म अबाउट रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर द एसएमपीएस। वेरीफाई कीजिए वारंटी को, वारंटी को वेरीफाई करने के बाद अगर एसएमपीएस वारंटी में नहीं है तो इन्फॉर्म कीजिए कस्टमर को रिपेयर की कॉस्ट के बारे में,
और फिर रिपेयर करवाइए एसएमपीएस को। तो पहली और थर्ड दोनों ऑप्शंस, पहली ऑप्शंस में वेरीफाई किया गया है वारंटी को और इन्फॉर्म किया गया है अबाउट रिपेयर कि यह आउट ऑफ वारंटी है और इसे रिपेयर किया जाएगा, तो पहली ऑप्शन भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ द एसएमपीएस टेक्स 4 to 5 days, तो रिप्लेसमेंट वाली ऑप्शन तो ठीक नहीं है क्योंकि वारंटी में नहीं है, तो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उसको रिपेयर ही किया जाएगा। थर्ड, वेरीफाई द वारंटी, इन्फॉर्म अबाउट रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर द एसएमपीएस। तो थर्ड ऑप्शन में वारंटी को वेरीफाई भी किया जा रहा है, इन्फॉर्म भी किया जा रहा है रिपेयर कॉस्ट के बारे में, और रिपेयर की कॉस्ट बताने के बाद फिर रिपेयर करवाया गया है एसएमपीएस को। तो थर्ड ऑप्शन पहली ऑप्शन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि पहली ऑप्शन में सिर्फ वारंटी को वेरीफाई करके इन्फॉर्म किया गया है रिपेयर के बारे में, जबकि थर्ड ऑप्शन में वारंटी को वेरीफाई करके, क्योंकि वारंटी में नहीं है, तो रिपेयर की कॉस्ट के बारे में बताया गया है और फिर एसएमपीएस को रिपेयर के लिए भेजा जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। एलिमेंट इज सजेस्टिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन सजेस्ट करना, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 14, एक्सप्लेन द कस्टमर ऑन टाइम टेकन, एक्सप्लेन करना कस्टमर को कि कितना टाइम लगेगा रिपेयर में या रिप्लेसमेंट में, रिपेयर प्रोसेस एंड पॉसिबल के कॉस्ट, एक्सप्लेन द कस्टमर ऑन टाइम टेकन, रिपेयर प्रोसेस एंड पॉसिबल कॉस्ट फॉर द सर्विस और इंक्लूजन अंडर वारंटी। कस्टमर को एक्सप्लेन करना कि मॉड्यूल की रिपेयर में और या फिर उसकी रिप्लेसमेंट में कितना समय लगेगा अगर वो वारंटी के अंदर है तो। क्वेश्चन, डीवीडी प्लेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज फॉल्टी, हाउ विल यू हैंडल द कंप्लेंट। कंप्यूटर का डीवीडी प्लेयर फॉल्टी है तो कंप्लेंट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, जबकि एफटीसीपी को एक्सप्लेन करना है कस्टमर को कि अगर वारंटी में है तो कितना टाइम रिप्लेसमेंट में लगेगा और अगर वारंटी में नहीं है तो रिपेयर में कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन 1, वेरीफाई द वारंटी, इन्फॉर्म अबाउट रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर द डीवीडी। वारंटी को वेरीफाई कीजिए, अगर वारंटी में नहीं है तो इन्फॉर्म अबाउट रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट के बारे में कस्टमर को बताइए और फिर रिपेयर द डीवीडी, और तब डीवीडी को रिपेयर करवाइए, डीवीडी प्लेयर को रिपेयर करवाइए। सेकंड, वेरीफाई द वारंटी, पहले वारंटी को वेरीफाई कीजिए, इन्फॉर्म अबाउट टाइम टेकन, फिर बताइए कि कितना समय लगेगा रिपेयर में, रिपेयर डीवीडी, तब डीवीडी को रिपेयर के लिए भेजिए, और इन्फॉर्म अबाउट रिपेयर कॉस्ट, फिर इन्फॉर्म कीजिए रिपेयर कॉस्ट के बारे में। थर्ड ऑप्शन, वेरीफाई द वारंटी, इन्फॉर्म अबाउट टाइम टेकन, रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर द डीवीडी। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन के अंदर पहले वेरीफाई किया गया वारंटी को, फिर इन्फॉर्म किया गया कि कितना समय लगेगा रिपेयर होने में क्योंकि वारंटी में नहीं है, और फिर रिपेयर करने के लिए डीवीडी को भेजा गया, और फिर उसके बाद लास्ट में इन्फॉर्म अबाउट रिपेयर कॉस्ट, इन्फॉर्म रिपेयर कॉस्ट सबसे लास्ट में बताई गया, जबकि इन रिपेयर कॉस्ट लास्ट में नहीं, पहले बतानी होती है, क्योंकि हम रिपेयर कॉस्ट बताएंगे उसके बाद ही कस्टमर इस बात को डिसाइड कर पाएगा कि उसे रिपेयर करवाना है या नहीं करवाना है। थर्ड ऑप्शन में पहले वारंटी के बारे में बताया गया है, आउट ऑफ वारंटी है तो इन्फॉर्म अबाउट टाइम टेकन, ये बताया गया है कि कितना समय लगेगा रिपेयर में, और फिर रिपेयर की कॉस्ट बताई गई है, तो यहाँ पर रिपेयर की कॉस्ट पहले बताई गई है और उसके बाद रिपेयर के लिए डीवीडी को भेजा जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि रिपेयर की कॉस्ट पहले बताई जाएगी उसके बाद रिपेयर के लिए भेजा जाएगा, ना कि रिपेयर के लिए भेजने के बाद फिर कस्टमर को बताया जाए कि रिपेयर की कॉस्ट कितनी है। सो थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। एलिमेंट इज सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 15, सीक कस्टमर्स अप्रूवल फॉर फर्दर सर्विसेज। क्वेश्चन, एलिमेंट इज सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 15, सीक कस्टमर्स अप्रूवल फॉर फर्दर सर्विसेज। कस्टमर की अप्रूवल लेना कस्टमर को आगे की सर्विसेज देने से पहले, दिस इज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 15। क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल द कंप्लेंट ऑफ फॉल्टी हार्ड डिस्क इफ इट इज आउट ऑफ वारंटी। कस्टमर्स
हेल्प डेस्क से आपको कंप्लेंट मिली है कि कस्टमर के यहाँ हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क ख़राब है और हार्ड डिस्क आउट ऑफ वारंटी है, तो आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए कंप्लेंट को कैसे हैंडल करेंगे? ऑप्शन वन, रिप्लेस द हार्ड डिस्क एंड गिव द बिल ऑफ न्यू हार्ड डिस्क टू कस्टमर। आप कस्टमर के यहाँ जाएंगे, ख़राब हार्ड डिस्क को रिप्लेस करेंगे और नई लगाई जाने वाली हार्ड डिस्क के अगेंस्ट बिल रेज करके वह बिल कस्टमर को देंगे। ऑप्शन नंबर टू, रिप्लेस द हार्ड डिस्क, गिव बिल एंड कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहे हैं, कस्टमर को नई हार्ड डिस्क के अगेंस्ट बिल रेज करके दे रहे हैं और कस्टमर से अमाउंट भी कलेक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन थ्री, रिप्लेस द हार्ड डिस्क, टेक अप्रूवल। पहले हार्ड डिस्क को आपने रिप्लेस किया है, टेक अप्रूवल, फिर अप्रूवल लिया है। अबाउट कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में, यह गलत हो गया क्योंकि रिप्लेस करने से पहले अप्रूवल लिया जाना ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर फोर, इन्फॉर्म अबाउट फॉल्टी हार्ड डिस्क, टेक अप्रूवल। ऑप्शन नंबर फोर के अगेंस्ट आप कस्टमर को पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनकी हार्ड डिस्क ख़राब है, फिर आप अप्रूवल ले रहे हैं नई हार्ड डिस्क लगाने के लिए। आफ्टर दैट रिप्लेस हार्ड डिस्क, फिर आपने हार्ड डिस्क को रिप्लेस किया है, रिप्लेस करके नई हार्ड डिस्क के अगेंस्ट बिल रेज किया है और लास्ट में अमाउंट को कलेक्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है बाकी सारी ऑप्शंस में सूटेबल है, मोस्ट राइट है। तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ द राइट आंसर। एलिमेंट कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन, काम पूरा हो जाने के साथ ही हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन को भी कंप्लीट करना है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 16, प्रोवाइड नोट टू कस्टमर अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में कस्टमर को रिटर्न में नोट प्रोवाइड करना। एक्शन टेकन एट द कॉस्ट एसोसिएटेड एंड रिटेन ए कॉपी, और साथ में उसके ऊपर यह भी लिखना डॉक्यूमेंट के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या सोल्यूशन दिया गया, कितनी कॉस्ट इंक्लूड थी और उसकी एक कॉपी भी सेफ रखनी है। क्वेश्चन, रैम इज फॉल्टी एंड आउट ऑफ वारंटी, रैम खराब है और आउट ऑफ वारंटी है, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी गिवन टू द कस्टमर। रैम खराब है और आउट ऑफ वारंटी है तो किस तरह का सॉल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा एफटीसीपी के द्वारा। ऑप्शन वन, इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम, नीड टू रिप्लेस विद न्यू, टेक अप्रूवल, रिप्लेस द रैम। इन्फॉर्म किया जाए कि रैम खराब है और ये कहा जा रहा है कि वारंटी में नहीं है, उसको नई रैम के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। टेक अप्रूवल, फिर अप्रूवल लिया गया है रिटर्न में और अप्रूवल लेने के बाद रैम को रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, सेकंड ऑप्शन, रिप्लेस द रैम एंड गिव हिम बिल ऑफ न्यू इंस्टॉल रैम, रैम को रिप्लेस किया गया है और नई रैम का बिल कस्टमर को दिया गया है। थर्ड ऑप्शन, इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम, कॉस्ट ऑफ न्यू रैम, फॉल्टी रैम के बारे में इन्फॉर्म किया गया है और रैम क्योंकि वारंटी में नहीं है तो कॉस्ट बताई गई है नई रैम की। कॉस्ट बताने के बाद अप्रूवल लिया गया है, टेक अप्रूवल, अप्रूवल लेने के बाद इंस्टॉल न्यू रैम, नई रैम को लगाया गया है और लास्ट में फिल फीडबैक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म को भी फिल किया गया है क्योंकि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 16 के अकॉर्डिंग नोट भी प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर लिखा गया हो कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या कॉस्ट ली गई है और क्या एक्शन था जो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर फीडबैक फॉर्म भी फिल किया गया है। ऑप्शन फोर्थ, इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम, फॉल्टी रैम के बारे में बताया गया है, टेक अप्रूवल, अप्रूवल लिया गया है, बताइए फॉल्टी रैम के बारे में बताया गया है और यह बताया गया कि आपकी रैम आउट ऑफ वारंटी है, आउट ऑफ वारंटी के कारण नहीं लगानी पड़ेगी, फिर उसके लिए अप्रूवल लिया गया है, अप्रूवल लेने के बाद कॉस्ट ऑफ न्यू रैम, नई रैम की कॉस्ट बताई गई है, तो नहीं ये बात यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गई क्योंकि अप्रूवल बाद में लिया जाएगा, कॉस्ट पहले बताई जाएगी। जब हम कस्टमर को बताएंगे कि अगर रैम खराब है और नई रैम इतने की है तो जो भी अमाउंट नई रैम का होगा, रैम की कॉस्ट बताने के बाद कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही तो कस्टमर हमें कहेगा कि हाँ लगाना है या नहीं लगाना है या कैसे करना है, तो अप्रूवल तो वो तभी देगा जब उसे कॉस्ट बताई जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन में कॉस्ट पहले बताई जा रही है और अप्रूवल उसके बाद मिल रही है, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम, फॉल्टी रैम के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है कि रैम वारंटी में नहीं है और फिर नई रैम के लिए कॉस्ट बताई गई है,
कॉस्ट बताने के बाद कस्टमर ने कहा ठीक है आप लगा दीजिए, आपका रेट ठीक है, अप्रूवल लिया गया है, अप्रूवल लेने के बाद नई रैम लगाई गई है, रैम लगाने के बाद फिर सारे काम कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में लास्ट में फीडबैक फॉर्म भी फिल किया जा रहा है। फीडबैक फॉर्म के अंदर लिखा गया है कि कस्टमर के यहाँ फॉल्ट क्या था, क्या सोल्यूशन दिया गया है, कितनी कॉस्ट उससे ली गई है, और एक उसकी कॉपी भी अपने पास रिटेन की गई है, सेव की गई है। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एलिमेंट कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 17, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इनवॉइस फॉर एनी परचेज ऑफ मॉड्यूल और पार्ट्स बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर कोई भी पार्ट परचेज करता है तो उस पार्ट के अगेंस्ट इनवॉइस या बिल जनरेट करके कस्टमर को देना है और उससे पेमेंट भी लेनी है। क्वेश्चन, रैम इज फॉल्टी एंड आउट ऑफ वारंटी, रैम खराब है और आउट ऑफ वारंटी है, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी गिवन टू द कस्टमर, किस तरह का सॉल्यूशन कस्टमर को दिया जाएगा। फर्स्ट, इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम, इन्फॉर्म किया जाए कि रैम खराब है, नीड टू रिप्लेस विद न्यू वन, यह भी बताया जाए कि वारंटी में नहीं है और नई रैम के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, टेक अप्रूवल, अप्रूवल ली जाए और रिप्लेस द रैम, रैम को रिप्लेस कर दिया जाए। ऑप्शन सेकेंड, रिप्लेस द रैम एंड गिव हिम बिल ऑफ न्यू इंस्टॉल रैम, रैम को रिप्लेस किया जाए और नई इंस्टॉल होने वाली रैम का बिल दे दिया जाए। ऑप्शन थर्ड, इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम, कॉस्ट फॉल्टी रैम के बारे में बताया जाए और उसके बाद क्योंकि रैम आउट ऑफ वारंटी है तो नई रैम लगानी है तो कॉस्ट के बारे में बताया जाए, टेक अप्रूवल, अप्रूवल ली जाए, अप्रूवल लेने के बाद इंस्टॉल न्यू रैम, अप्रूवल लेने के बाद नई रैम इंस्टॉल की जाए, गिव बिल, फिर बिल दिया जाए, कलेक्ट अमाउंट, अमाउंट कलेक्ट किया जाए और फिल फीडबैक फॉर्म, और लास्ट में फीडबैक फॉर्म को भी फिल किया जाए। फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है, इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम के बारे में बताया जाए, अब रैम क्योंकि आउट ऑफ वारंटी है तो कॉस्ट ऑफ न्यू रैम, नई रैम की कॉस्ट के बारे में बताया जाए, टेक अप्रूवल, अप्रूवल लिया जाए नई रैम के लिए, इंस्टॉल न्यू रैम, नई रैम लगा दी जाए, फिल फीडबैक फॉर्म, नई रैम लगाने के बाद फीडबैक फॉर्म फिल किया जाए, गिव बिल, बिल दिया जाए, कलेक्ट मनी। फीडबैक फॉर्म यहाँ पर पहले फिल किया गया है फोर्थ में, सो जबकि फीडबैक फॉर्म को बिल्कुल लास्ट में फिल किया जाना चाहिए क्योंकि सब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में फीडबैक फॉर्म फिल किया जाता है जिसके ऊपर कस्टमर से कमेंट्स भी लिए जाते हैं कि हमारी सर्विस कैसी थी, जबकि यहाँ पर बिल देने से पहले और पैसा कलेक्ट करने से पहले ही, मनी कलेक्ट करने से पहले ही फीडबैक फॉर्म देने की बात की जा रही है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट, इन्फॉर्म हिम, इसलिए फोर्थ ऑप्शन को ठीक नहीं कहा जा सकता, जबकि थर्ड ऑप्शन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इन्फॉर्म हिम अबाउट फॉल्टी रैम, इन्फॉर्म किया जाए खराब रैम के लिए अब क्योंकि आउट ऑफ वारंटी है तो कॉस्ट ऑफ न्यू रैम, नई रैम की कॉस्ट बताई गई है, टेक अप्रूवल, अप्रूवल लिया गया है, इंस्टॉल न्यू और नई रैम को इंस्टॉल किया गया है, गिव बिल, बिल दिया गया है, कलेक्ट अमाउंट, बिल देकर अमाउंट को कलेक्ट किया गया है, फिल फीडबैक, और सबसे लास्ट में फीडबैक फॉर्म को फिल किया गया है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वाज प्रोवाइड अप्रोप्रिएट, अब यहाँ पर प्रॉपर इनवॉइस भी दिया गया है और डॉक्यूमेंटेशन भी की गई है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। एलिमेंट इज अचीविंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 18, इंटरेक्ट विद कस्टमर ऑन टाइम विद इन द स्पेसिफाइड सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA टाइम। SLA टाइम का मतलब है सर्विस लेवल एग्रीमेंट टाइम, कि कस्टमर को जो सर्विसिंग के एग्रीमेंट के समय कहा गया है कि अगर मान लीजिए इस कस्टमर से यह कहा गया कि हम 24 घंटे के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA टाइम है कि 24 घंटे के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिस ये एक कमिटमेंट है जो कि कस्टमर और कंपनी के बीच में की गई है और जिसके ऊपर कंपनी को कायम रहना होगा। क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ योर कंपनी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 24 आवर्स, आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि प्रॉब्लम को रिसीव होने के बाद 24 घंटे के अंदर सॉल्व किया जाए। व्हेन यू विजिटेड द साइट यू फाउंड दैट फॉल्टी पार्ट इज नॉट अवेलेबल एट योर स्टोर, जब आपने विजिट किया तो आपको पता चला कि जो फॉल्टी पार्ट है वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन वन, यू विल विजिट द कस्टमर विद इन 24 आवर्स एंड इन्फॉर्म हिम दैट ही हैज़ टू वेट फॉर 3 डेज अंटिल द पार्ट विल बी अवेलेबल, आप कस्टमर को 24 घंटे के अंदर विजिट तो करेंगे साथ ही उसको ये कहेंगे कि पार्ट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप कम से कम 3 दिन के लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि पार्ट 3 दिन के बाद हमारे पास अवेलेबल होगा।
ऑप्शन नंबर टू, यू विल विजिट द कस्टमर सेम डे एंड इन्फॉर्म हिम दैट द कंप्लेंट इज ऑन होल्ड फॉर 3 डेज बिकॉज फॉल्टी मटेरियल विल बी अवेलेबल आफ्टर 3 डेज. आप विजिट करेंगे कस्टमर को उसी दिन और इन्फॉर्म करेंगे कि कंप्लेंट आपकी होल्ड पर रखनी पड़ेगी हमें 3 दिन के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास वो पार्ट नहीं है जो खराब है. 3 दिन के बाद जब पार्ट अवेलेबल होगा तो हम लगा देंगे. थर्ड ऑप्शन, यू विल विजिट द कस्टमर विद इन 24 आवर्स एंड इन्फॉर्म टू द कस्टमर अबाउट फॉल्टी पार्ट. आप विजिट करेंगे 24 आवर्स के बीच में और इन्फॉर्म करेंगे कस्टमर को कि आपका जो प्रोडक्ट का पार्ट है वो कोई फॉल्ट है, जो पार्ट है वो खराब है. देन बाय इट फ्रॉम द मार्केट एंड इंस्टॉल एट कस्टमर एंड टू कम्प्लीट द जॉब अंडर एस एल ए. तब आप इसे मार्केट में जाकर परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद प्रोडक्ट में लगा देंगे ताकि सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर ही कंप्लेंट को क्लोज किया जा सके. ऑप्शन फोर्थ, यू विल विजिट द कस्टमर विद इन 24 आवर्स एंड इन्फॉर्म टू द कस्टमर अबाउट फॉल्टी पार्ट एंड डू एज पर एडवाइस ऑफ सुपरवाइजर इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन द स्टोर ऑफ द कंपनी. आप विजिट करेंगे 24 आवर्स के अंदर, अगर प्रोडक्ट खराब है तो आप कस्टमर को कहेंगे प्रोडक्ट में अभी हम आपके पास अवेलेबल नहीं है. उसके बाद आप सुपरवाइजर को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे और सुपरवाइजर की एडवाइस लेने के बाद ही आगे का काम करेंगे. अगर सुपरवाइजर आपको कहेगा कि मार्केट से परचेज करके लगा दीजिए तो आप लगाएंगे, अदरवाइज अगर सुपरवाइजर कहेगा कि नहीं आपको अभी वेट करना है, कस्टमर को आप बता दीजिए कि 2 या 3 दिन में पार्ट अवेलेबल होगा तब हम लगा देंगे, तो एज पर सुपरवाइजर एडवाइस आप आगे का काम करेंगे. तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट. थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आप मार्केट से परचेज करके लगा देंगे, तो FTCP बिना सुपरवाइजर की परमिशन के अपने लेवल पे मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करके नहीं लगा सकता है. सो फोर्थ ऑप्शन इज वेरी मच राइट कि इस कंडीशन में आपको सुपरवाइजर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, सुपरवाइजर जैसा कहेगा वैसा ही काम करना होगा. एलिमेंट अचीविंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 18, इंटरेक्ट विद कस्टमर ऑन टाइम विद इन द स्पेसिफाइड सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA टाइम. क्वेश्चन, योर कंपनी हैज़ द पॉलिसी टू इंटरेक्ट विद कस्टमर अंडर SLA टाइम ऑफ 24 आवर्स. कि जो आपकी कंपनी का कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने का SLA टाइम है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट टाइम है, वो 24 आवर्स का है. टूडे यू आर द ओनली अवेलेबल टेक्नीशियन एंड ऑलरेडी हैव 8 कंप्लेंट्स. आज सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे हैं कि आप अकेले ही टेक्नीशियन मौजूद हैं कंपनी में और आपके पास पहले से ही 8 कंप्लेंट्स हैं करने के लिए. नाउ यू हैव रिसीव्ड मोर कंप्लेंट्स फ्रॉम हेल्प डेस्क. अब आपको और भी कंप्लेंट्स हेल्प डेस्क से मिल गई हैं. हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन अंडर द SLA टाइम. तो SLA टाइम के अंडर आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आप अकेले सर्विस टेक्नीशियन हैं, 8 कंप्लेंट्स आपके पास पहले से हैं, 24 आवर्स में आपको कंप्लेंट्स करनी है और आज कोई और आपके साथ हेल्प करने के लिए भी नहीं है. तो ऑप्शन वन, यू विल हैंडल द न्यू कंप्लेंट्स इफ दे आर नियर टू योर कंपनी ऑफिस. आप देखेंगे कि नई मिलने वाली कंप्लेंट्स अगर आपके कंपनी ऑफिस के नज़दीक हैं तो आप पहले उन कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे, ना कि उन कंप्लेंट्स को जो कि पहले से आपके पास हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन. सेकेंड ऑप्शन, यू विल विजिट अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट विद द कस्टमर एज पर शेड्यूल एंड पॉलिसी. आप जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ है और जो कमिटमेंट की हुई है कस्टमर्स के साथ उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और यही आपकी पॉलिसी है, यही आपकी कंपनी की पॉलिसी है. थर्ड ऑप्शन, यू विल रिक्वेस्ट टू अदर टेक्नीशियन हु इज ऑन हॉलीडे टुडे टू कम एंड रिलीज द प्रेशर ऑफ कंप्लेंट्स. जो दूसरा सर्विस टेक्नीशियन छुट्टी पर है आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आज आप आ जाइए, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत है, काम का प्रेशर काफी है, तो आगे थोड़ा सा मदद कर दीजिए. फोर्थ, समटाइम्स यू कैन ब्रेक SLA एग्रीमेंट अंडर प्रेशर. के फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कभी कभी SLA एग्रीमेंट को जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो तोड़ भी सकते हैं. फिफ्थ, ऑल ऑफ अबव. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा ठीक है वो है ऑप्शन नंबर टू, सेकेंड ऑप्शन, यू विल विजिट अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट विद द कस्टमर एज पर शेड्यूल एंड पॉलिसी. आपने जिन कस्टमर्स के साथ पहले इंटरेक्ट किया है, शेड्यूल बनाया है, जिनको टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी, आप पहले उन्हीं कस्टमर के पास जाएंगे, उन्हीं कस्टमर के पास जाकर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे. ना कि ऐसा नहीं है कि आप पहले से शेड्यूल तो आपने बना हुआ है, कस्टमर को आपने टाइम दिया हुआ है कि मैं इतने बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, और इस बीच आपके पास कोई और कंप्लेंट आ जाती है और आपको लगता है कि
वो नज़दीक है या कोई भी और रीज़न है या कोई पर्सनल रीज़न है और आप सोचेंगे मैं जाके उस कंप्लेंट को कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेड्यूल आप पहले बना चुके हैं, जो आप पहले टाइम दे चुके हैं, अगर उस टाइम पे कस्टमर के पास नहीं पहुँचेंगे तो हो सकता है कि उसके बाद कस्टमर आपके पास ना मिल पाए, अवेलेबल ना हो पाए। तो आप जो शेड्यूल आपने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा, उससे हटके आप काम नहीं कर सकते। और सर्विस टेक्नीशियन को भी जो छुट्टी पर है आप ऐसा नहीं कह सकते कि आइए, क्योंकि और आज काम जो ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत है, तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आके आप काम कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सर्विस इंजीनियर ने दूसरे एफटीसीपी ने छुट्टी ली है तो कोई बहुत ज़रूरी काम होगा कि उसने छुट्टी ली होगी, और हो सकता है कि उससे वो छुट्टी लेकर आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ द टाउन हो, शहर में ना हो। तो इन कंडीशन में काम बहुत बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि एफटीसीपी को अंडर प्रेशर अकेले ही काम को संभालना पड़ता है। सो सेकेंड वन इज द राइट ऑप्शन। एलिमेंट कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 19, आइडेंटिफाई द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाई द रिसोर्सिस एंड रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाई द कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना एंड आइडेंटिफाई द रिसोर्सिस, उसके अगेंस्ट रिसोर्सिस को भी आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना। क्वेश्चन 11, कंप्यूटर एट द कस्टमर्स एंड इज रनिंग वेरी स्लो, कंप्यूटर जो है बहुत स्लो चल रहा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई हिज रिक्वायरमेंट रिसोर्सिस एंड रिकॉर्ड्स, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो चल रहा है, और उसके लिए रिसोर्सिस की जांच कैसे करेंगे, रिकॉर्ड को भी कैसे मेंटेन करेंगे। ऑप्शन 1, आस्क हिम टू चेक द स्पेस ऑफ सी ड्राइव, और एक और भी बात का ध्यान रखना है कि आपको यही मानकर चलना है कि कस्टमर एक टेक्निकल पर्सन नहीं है, और उससे कुछ भी इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं करवाना, और ना ही कैबिनेट के पेंच खोलने के लिए कहना है। तो इस केस में प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर 1, आस्क हिम टू चेक द स्पेस ऑफ सी ड्राइव, डिलीट टेम्परेरी फाइल्स, अपडेट एंटीवायरस, फिल द फीडबैक फॉर्म्स, ठीक है, उसे कहेंगे कि सी ड्राइव का स्पेस चेक कीजिए। स्पेस चेक करने के बाद हम उससे कह सकते हैं कि टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर दीजिए, ये भी कस्टमर कर सकता है। अपडेट द एंटीवायरस, एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए भी कह सकते हैं कस्टमर को। फिल द फीडबैक फॉर्म्स, उसके बाद लास्ट में हम फीडबैक फॉर्म को भी फिल करेंगे ताकि रिकॉर्ड के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी हमें करनी है। सेकेंड ऑप्शन, आस्क हिम टू चेक द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम, सेकेंड ऑप्शन में हम उसके कहेंगे कि रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसे चेक कीजिए, कस्टमर यह भी कर सकता है, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके वो रैम की कैपेसिटी को देख सकता है। अपग्रेड रैम इफ़ नेसेसरी, फिल द फीडबैक फॉर्म, तो अगर ज़रूरी हो तो रैम, अगर आपको लगे कि ज़रूरी है रैम कम है तो रैम को अपग्रेड कीजिए और फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए, ये काम भी हो सकता है। थर्ड, अनइंस्टॉल द अननेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, चेक फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फिल द फीडबैक फॉर्म्स। थर्ड ऑप्शन में अनइंस्टॉल द अननेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, थर्ड ऑप्शन में एफटीसीपी अनइंस्टॉल करेगा अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स को और गेम्स को, उसके बाद वो चेक द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चेक करेगा, अगर नहीं है तो डाला जाएगा, और अगर डाला हुआ है और अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट किया जाएगा, या एक्सपायर हो गया तो रीन्यू किया जाएगा, और एफटीसीपी द्वारा यह काम किया जाएगा। फोर्थ, राइट क्लिक ऑन टास्क बार, स्टार्ट टास्क मैनेजर, चेक फॉर सीपीयू एंड रैम, अब यह काम भी एफटीसीपी कर रहा है कि टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाइए। एक्चुअली टास्क मैनेजर में जाके जब सीपीयू और रैम को चेक किया जाता है तो यह देखा जाता है कि इस समय रनिंग एप्लीकेशंस में प्रोसेसर और रैम के ऊपर कितना बर्डन है, मतलब कि नॉर्मल फ्लो में अगर हम टास्क मैनेजर में जाके और मॉनिटर करें सीपीयू रैम की वर्किंग को, परफॉर्मेंस को, तो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस मीटर में वो लगभग 3 से 4% ही दिखाती है, और अगर कोई एप्लीकेशन रन कर देते हैं तो एप्लीकेशन रन करते ही जैसे किसी फाइल वगैरह को, फाइल्स को सर्च वगैरह पे लगाते ही प्रोसेसर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो बढ़कर 10-15% 20% तक चला जाता है, और जैसे ही एक्टिविटी खत्म होती है फिर वो डाउन आ जाता है वापस 3 या 4% के ऊपर। इसी तरह रैम की भी एक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर वो डाउन आ जाती है, नॉर्मल फ्लो में आ जाती है। तो अगर इस तरह से काम होता है, परफॉर्म होता है, तो इसका मतलब कि जो हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, और अगर वो लगातार बिना
किसी एप्लीकेशन को रन किए भी अगर जो रैम और प्रोसेसर कंटिन्यूटी में 20% या उससे ऊपर बिजी दिखाता है, तो इसका मतलब कि या तो कोई प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और या फिर उन्हें अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है। तो इस केस में भी कंप्यूटर स्लो हो जाता है, और स्लो कंप्यूटर में हमें प्रोसेसर और रैम की वर्किंग को मॉनिटर करना होता है। इन्हें मॉनिटर करने के लिए आप टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं, स्टार्ट टास्क मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पर सीपीयू और रैम की वर्किंग को मॉनिटर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 ऑल ऑफ अबव, तो सारे काम किए जा सकते हैं। पहली और दूसरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कस्टमर को ही चेक करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि थर्ड और फोर्थ में एफटीसीपी खुद जाकर काम कर रहा है, लेकिन फिफ्थ में ऑल ऑफ अबव के सारी तरह के ही काम करके हमें देखने पड़ेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि कंप्यूटर स्लो क्यों चल रहा है, और उसी के अगेंस्ट ही हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, जैसे कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 19 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड रिकॉर्ड, तो इसी तरह से हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके और उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो फिफ्थ इज द राइट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। एलिमेंट इज कम्प्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन को कम्प्लीट करने आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 20, एक्यूरेटली एक्सेस द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। एक्यूरेटली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अगेंस्ट कहा गया है कि एक्यूरेटली प्रॉपरली एक्सेस कीजिए प्रॉब्लम को और सजेस्ट कीजिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट सोल्यूशन कस्टमर को। क्वेश्चन है, You received a problem that computer goes off in sudden and it happens so many times in the day. कि आपको complaint मिली है कि computer काम करते करते एकदम से बंद हो जाता है, और ऐसा एक बार नहीं, दिन में कई बार होता है कि computer एकदम से बंद हो जाता है, फिर उसको on करते हैं, फिर चलता है, फिर एकदम से बंद हो जाता है, तो बार बार इस तरह की problem आती है। तो normally अगर इस तरह की problem आती है, तो अगर जो SMPS में खराबी हो तब इस तरह की problem होती है, क्योंकि अगर जो मान लीजिए computer restart करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जैसे कि प्रोसेसर है हीटअप हो जाता है, हीटअप होने के बाद वो एकदम से बंद होता है, बंद होकर फिर अपने आप चल पड़ता है तो रिस्टार्ट करता है, लेकिन अगर SMPS खराब होगी तो वो रिस्टार्ट नहीं करती, SMPS खराब होने की सूरत में वो बंद हो जाती है। तो अगर कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है तो वो SMPS का फॉल्ट हो सकता है अब इस केस में FTCP क्लियर कर लेना चाहता है कि हाँ ये वाकई में SMPS का फॉल्ट है, ताकि वो एक्यूरेटली एक्सेस कर सके प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 20, एक्यूरेटली एक्सेस कर सके प्रॉब्लम को और अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ही दे सके उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1, डज द कंप्यूटर गोज ऑफ परमानेंटली और इट रीस्टार्ट्स, कि क्या कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है या रीस्टार्ट होता है, क्योंकि FTCP जानता है कि अगर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होगी तो कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो जानना चाहता है कि कंप्यूटर बंद हो रहा है या रीस्टार्ट हो रहा है, ताकि वो अंदाजा लगा सके कि प्रोसेसर के फैन में प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। सेकंड ऑप्शन, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गो ऑफ आफ्टर स्विचिंग ऑन, वो ये जानना चाहता है कि कितनी देर चलने के बाद कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो अगर SMPS में प्रॉब्लम होगी तो वो लगातार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बंद होता रहेगा। इज देयर एनी बर्न स्मेल नियर द फैन ऑफ SMPS, अगर SMPS की वजह से प्रॉब्लम होगी तो SMPS में क्या होता है कि नॉर्मली हैवी पावर के कैपेसिटर्स लगे होते हैं, लगभग 200-200 वोल्ट के दो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, तो अगर ये हैवी वोल्टेज के कैपेसिटर्स लीक हो जाएंगे तो इनके लीक होने की वजह से SMPS एकदम से बंद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होके कंप्यूटर चलता है और फिर वो एकदम से लीक हो जाते हैं, सारा का सारा करंट एकदम से लीक हो जाता है। एक्चुअली ये एक विशेषता भी है कैपेसिटर्स की कि इनमें से करंट थोड़ा थोड़ा लीक होता रहता है, इस लीकेज को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर कैपेसिटर खराब होगा तो सारा का सारा करंट एकदम से लीक हो जाता है। तो अगर SMPS में प्रॉब्लम होगी और हैवी वोल्ट वाले जो 200 वोल्ट वाले कैपेसिटर्स हैं वो एकदम से लीक हो जाएंगे, तो सारा करंट एकदम से लीक हो जाएगा, चार्ज होने के बाद एकदम से डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो SMPS एकदम से बंद हो जाएगी, और इस केस में SMPS में से हल्की स्मेल भी आती है। तो इसलिए FTCP जान लेना चाहता है कि इज देयर एनी बर्न स्मेल नियर द फैन ऑफ SMPS, के जो SMPS का फैन है क्या उसके आसपास से कोई जलने की स्मेल भी आ रही है, ताकि वो क्लियर कर ले कि हाँ
SMPS के अंदर ही फॉल्ट है, और जो हैवी वोल्टेज वाले कैपेसिटर्स हैं वो उनका जो लीकेज है वो बढ़ गया है। फॉर ऑल ऑफ अबव एंड नीड टू रिपेयर और रिप्लेस द SMPS एज पर कस्टमर चॉइस आफ्टर डिस्कसिंग द कॉस्ट। अगर उसे वो सारे जवाब यस में मिलते हैं तो वो समझ जाता है कि हाँ SMPS में ही प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन फोर्थ के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ अबव और फिर वो एंड नीड टू रिपेयर और रिप्लेस द SMPS एज पर कस्टमर चॉइस। उसके बाद वो कस्टमर को बताता है कि आपकी जो SMPS खराब है इसे रिपेयर की कॉस्ट इतनी है और रिप्लेस करके नई लगाने की कॉस्ट इतनी है। तो उसके बाद जो भी कस्टमर चाहेगा उसके हिसाब से ही FTCP कर देगा। अगर कस्टमर चाहेगा कि उसको 250, 30, 300 के लगभग पैसे रुपए खर्च के रिपेयर कर दिया जाए तो रिपेयर करवा देगा, और अगर कस्टमर चाहेगा कि नहीं 600 या 650, 700 तक की नई SMPS लेके उसे लगा दिया जाए तो एज पर कस्टमर चॉइस FTCP द्वारा उसे नया लगा दिया जाएगा। लेकिन एज पर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 20 उसे एक्यूरेटली एक्सेस करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है और अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ही देना होगा कस्टमर को। अच्छी तरह से कस्टमर से बात करके उसे जान लेना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है और अप्रोप्रिएट सोल्यूशन तभी दिया जा सकता है। सो दिस वाज द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 20। मेरे दूसरे वीडियोज़ को यूट्यूब में डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिए और वहाँ FTCP स्पेस कपिल लिखकर दूसरे वीडियोज़ को भी व्यू कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस वाज द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 ऑफ Nos-1 एंगेज विद कस्टमर फॉर IT हार्डवेयर सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच।